यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपका आ जाता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि प्रोटीन्स जो है बेसिकली क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब इसमें जो मेजर एलिमेंट्स शामिल हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये मेजर एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ इसमें प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जिसमें फास्फोरस एंड सल्फर भी होते हैं, इसी तरह से इसमें एंटर हो सकते हैं, आयरन एटम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि इसमें मेजर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये मेजर इसमें एलिमेंट्स होते हैं। एंड सम टाइम सम प्रोटीन्स में आल्सो कंटेन फास्फोरस एंड सल्फर। इसी तरह से देखिए कि जो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, आपको मालूम हो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो हम ओवरऑल एक कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, तो आप एक सेल है, इस सेल में आपको पता है कि 70% हमने बताया था कि बैक्टीरियल सेल या मेमेलियन सेल में क्या होता है, वाटर होता है 70%। बाकी इसका जो बाकी रिमेनिंग 30% है वो इसका ड्राई मैटर होता है। अब इस ड्राई मैटर का 50% यानी 15% इसका क्या है, एक सेल के हिसाब से जाएंगे तो 15% इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। वैसे तो आप देखते हो ना इसमें प्रोटीन के अमाउंट तो गिवन है कि कितनी इसकी प्रोटीन्स होती हैं, कि कितने परसेंट प्रोटीन है, लेकिन इतना पता हो कि ये जो टोटल परसेंटेज आपको दी गई, यानी 30% का हाफ जो है वो 15% कहलाता है। लेकिन अगर आप इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जाएं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हिसाब से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जाएं, या फिर आप इसके ड्राई वेट के हिसाब से जाएं, तो ड्राई वेट के हिसाब से 50% ऑफ दी ड्राई वेट वो आपके पास क्या होती है, ड्राई वेट दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटीन। ये आपको फिगर मालूम हो, एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने है एक सेल में 70% वाटर है और 30% जो इसमें क्या होता है, उसका ड्राई मैटर होता है। ड्राई मैटर का हाफ क्या है, यानी ड्राई मैटर का अगर सेल के हिसाब से अगर जाए, सेल में 70% वाटर, 50% अदर इसमें क्या होता है ड्राई मैटर, और 15% इसमें क्या है, प्रोटीन है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जाएं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का 50% आपके पास क्या होती है, इसमें ड्राई वेट ऑफ द सेल क्या होती है, प्रोटीन होती है। ड्राई वेट का 50% यानी 30% का हाफ क्या होगा, इसमें प्रोटीन्स होगी। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है, आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको ड्राई वेट पूछा जा रहा है या सेल के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये ड्राई वेट के हिसाब से 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटीन। इसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। इसी तरह से देखिए कि जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है एक लिमिट बताई जाती है, यानी मोस्टली प्रोटीन्स में अप टू 3000 तक अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, फ्यू से स्टार्ट होता है और 3000 तक क्या होते हैं इसमें अमाइनो एसिड हो सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती है जिसमें मोर देन 3000 भी अमाइनो एसिड हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो फिगर आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, 3000, और इन सब प्रोटीन्स मोर देन 3000 आल्सो। अब उसके बाद अहम चीज़ कि अमाइनो एसिड जो है ये कितनी, ये अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन सेल्स एंड टिश्यूज, लेकिन 25 टाइप्स जो होते हैं अमाइनो एसिड्स, ये इन्वॉल्व होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन उसके बाद फिर थर्ड फिगर आपके पास आता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये देखिए कि कितने अमाइनो एसिड मौजूद हैं सेल्स और टिश्यूज में, 170 टाइप्स।
25 जो होते हैं किसमें इन्वॉल्व हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, और इसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं, देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो लिहाजा आपको ये भी मालूम हो कि डेरिवेटिव्स भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जब आपसे एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कुछ भी ना इन जनरल पूछा जाए कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इन जनरल आपको मालूम हो कि 20 टाइप्स को आपने ऑप्शन के तौर पर सेलेक्ट करना होगा। रीज़न ये होती है कि दीज 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है इनका बाकायदा जेनेटिक कोड जो है आइडेंटिफाइड है, जो कि आप सेकेंड ईयर में क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर में डिटेल से इसको डिस्कस करोगे कि व्हाट इज जेनेटिक कोड। तो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड जो कि आइडेंटिफाइड है, इसलिए आपको इन जनरल पता हो कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स में खास तौर पर। तो इसलिए जब जो ज़्यादा होते हैं उसी को आप क्या बनाते हो, इन जनरल रूल बनाते हो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा, अमाइनो एसिड के बारे में आपको मालूम हो कि ये बेसिकली अमाइनो एसिड दो ग्रुप्स इसमें शामिल है, एक अमाइनो ग्रुप है और दूसरा कौन सा इसमें ये एसिड ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे हम शो करते हैं कि आपके पास नाइट्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, और उसके साथ ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम को आप क्या नाम देंगे, दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम का नाम दिया जाता है। इस अल्फा कार्बन एटम के साथ इस तरफ क्या होगा हाइड्रोजन, और इस तरफ क्या होगा इसका आर ग्रुप होगा, रिप्लेसमेंट ग्रुप जिसको आप कहते हैं। और फिर उसके दूसरी तरफ क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये इस तरह से इसको आप शो कर सकते हो, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से अमाइनो ग्रुप एसिड ग्रुप और ये बीच में क्या आएगा अल्फा कार्बन एटम, आर जो होता है रिप्लेसमेंट ग्रुप होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को जब आप रिकॉग्नाइज करते हो वो किस बेस पर करते हो, मेनली आर ग्रुप की बेस पर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो। तो इस तरह अमाइनो एसिड के बारे में आपको क्लियर हो तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड विच आर मोस्टली यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने के लिए आपको मालूम हो ये इसके क्या कहलाएंगे, मोनोमर्स कहलाएंगे। तो मोनोमर्स के मिलने से क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे प्रोटीन्स में आपने देखना होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के बनने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये दो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनता है। जैसे ये आपके पास अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल इसका ये फर्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे शो कर रहे हैं, सेकंड अमाइनो एसिड हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, फर्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे देखिए हमने शो किया है, ये आपके पास फर्स्ट अमाइनो एसिड आ जाता है। यहाँ पे आर की जगह हमने क्या शो किया, एच, यहाँ पे एच, और फिर यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड आ जाएगा, इसी तरह से देखिए यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं CH3, और यहाँ पे क्या आएगा H, यानी R की जगह क्या शो कर रहे हैं CH3, और फिर कार्बन, और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। अब इसमें देखिए कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा एक अमाइनो एसिड का ये कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे अमाइनो एसिड का ये कौन सा ग्रुप होगा अमाइनो ग्रुप होगा। इनके दरमियान कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के रिजल्ट के तौर पर यहाँ से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और ये कार्बन किसका है, ये कार्बन है बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और ये नाइट्रोजन किसका है, ये बेसिकली अमाइनो ग्रुप का। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव किया है तो ये जो अमाइनो एसिड है इसका फिर ज़ाहिर है जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इसे आप क्या कहोगे ग्लाइसिन, और ये वाला अमाइनो एसिड क्या होगा एलानिन, ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो इसको आप क्या कहोगे दिस कॉल्ड डाइपेप्टाइड, इसको हम डाइपेप्टाइड का नाम देंगे। दोनों पार्ट्स आप देखते हैं इसके ओपन हैं, यानी दोनों पार्ट्स ओपन हैं या अमाइनो एसिड ऐड हो सकता है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे डाइपेप्टाइड का नाम देंगे। और इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ग्लाइसिन और एलानिन का तो इसको आप नाम क्या दोगे ग्लाइसिन एलानिन,
ग्लाइसिन एलानिन कहलाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, डाइपेप्टाइड होगा, इसको आप डाइपेप्टाइड का नाम दोगे। इसी तरह से फिर फर्दर अमाइनो एसिड ऐड होंगे, कंडेंसेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, मैनी अमाइनो एसिड जब ऐड होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देंगे। और ये आप पढ़ते हो किस में, राइबोसोम का टॉपिक भी आपने डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था पॉलीराइबोसोम का। पॉलीराइबोसोम में आपको बताया गया था कि अलॉन्ग द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए इन 5-3 डायरेक्शन ट्रांसलेशन होती है, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है, वहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल किस तरह से होता है, कि ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपको अब तक इसका हमने क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है किस चीज़ का, प्रोटीन्स का, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखिए, सबसे पहले ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो प्रोटीन्स की होती हैं, ये किस वजह से होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। दी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर ड्यू टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद अहम चीज़ आती है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कितनी तादाद है अमाइनो एसिड, काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, 20 में से कितनी टाइप्स है अमाइनो एसिड की, स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ऑफ दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, शेप ऑफ दी प्रोटीन मॉलिक्यूल, के प्रोटीन ने के मॉलिक्यूल ने कौन सी शेप, फाइनल शेप अटेन की है, उसी शेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन के स्पेसिफिक आप कह सकते हो स्ट्रक्चर में भी, और उसके साथ साथ उसके आगे चलकर फंक्शन में भी। अब इसका नतीजा क्या होता है कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्या होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिल्टअप हो जाता है। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है तो आपने देखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है प्रोटीन की, ये इसके चार ऑर्गेनाइजेशन लेवल होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 लेवल्स। ये 4 लेवल कौन कौन से हैं, पहला आएगा इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दूसरा आपने क्या देखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड आप क्या देखोगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और फिर लास्ट क्या होगा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनको हमने सिस्टमेटिकली 1 by 1 करके डिस्कस करना है। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी कहलाती है। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए क्या हम देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो मेनली फोकस किया जाता है, किस चीज़ को फोकस किया जाता है, सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या है, फिर उसके बाद काइंड्स, काइंड्स का मतलब अभी आपको बताया था के काइंड्स का मतलब 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, उनमें से 20 में से कितनी टाइप्स या काइंड्स अमाइनो एसिड्स की इसमें शामिल है, और तीसरी चीज़ अहम आ जाती है क्या चीज़, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी उसकी अरेंजमेंट क्या है अमाइनो एसिड्स की जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्राइमरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो नंबर, काइंड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर के हवाले से आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इसके अलावा और भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। अब इसमें देखें कि जो मेनली हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आप कोट करते हो, जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन सबसे पहले हमें मिलता है किसका मिलता है, एम सेंगर नामी साइंटिस्ट है, इसने फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने तकरीबन 10 साल तक का इसका क्या है रिसर्च वर्क है, जिसके बाद इसने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवाया था। और पहली एग्जांपल जो इसमें हम कोट करते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में खास तौर पर किसकी देंगे, इंसुलिन की एग्जांपल कोट करेंगे। इंसुलिन के बारे में आप जानते हैं कि हार्मोन है, आइलेट्स ऑफ लांगरहंस बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं, और ये किस चीज़ के लिए होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसके बारे में देखिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 51 इसमें क्या है आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं। फिर इसके बाद इसमें चेन्स कितनी हैं, इसमें टू चेन्स। अब टू चेन्स में यानी एक फर्स्ट चेंज होगी, इसमें आप बताएंगे 21 अमाइनो एसिड्स हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो चेन होगी इसमें कितने होंगे, 30 अमाइनो एसिड्स होंगे।
ये आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, कितने हैं 21 एंड 30 अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये दोनों चेन्स जो होती हैं, ये दोनों चेन्स जो होती हैं, बोथ चेन्स आर लिंक्ड, ये आपस में लिंक्ड होती हैं किसके जरिए, बेसिकली ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के जरिए ये क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होती हैं। ब्रिज जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, डाई सल्फाइड ब्रिज का नाम दिया जाता है। तो इसमें आप देखिए कि ये अगर हम कहते हैं ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है, इसमें 21 अमाइनो एसिड है, इसमें 30 अमाइनो एसिड है। यहाँ पे हम बताते हैं ये इसमें ये डाइसल्फाइड ब्रिज आपको रेंडमली इस तरह से समझाने के लिए सिर्फ बताया जा रहा है कि ये क्या है, इसमें डाइसल्फाइड ब्रिज है। तो ये ख़ास तौर पर एक और भी इसमें एडिशनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो सल्फर हमने शो किया है यहाँ पे ये डाइसल्फाइड ब्रिज के लिए, ख़ास तौर पर ये पॉइंट जहाँ पर ये बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड कौन सा होगा, सिस्टीन अमाइनो एसिड होगा जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो डाइसल्फाइड ब्रिज इस तरह से बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल आपके सामने किसकी आ जाती है, दैट इज़ व्हाट, इंसुलिन, ये इंसुलिन की एग्जाम्पल आ जाती है। फिर उसके बाद उसमें देखिए कि दूसरा आप रेफरेंस किसका देते हो, इसमें हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल हम कोट करेंगे। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको मालूम है कि ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, किसमें प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होती है। इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, हीम पार्ट आयरन कंटेनिंग पार्ट, ग्लोबिन इसका प्रोटीन पार्ट होता है। तो अब इसमें आपको मालूम हो कि 574 अमाइनो एसिड्स हैं और ये 574 अमाइनो एसिड्स में आप इसकी जब डिटेल बताते हो तो इसमें 4 पोली पेप्टाइड चेन्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में 2 इसमें क्या होती हैं, अल्फा चेन्स और 2 इसमें बीटा चेन्स होती हैं। तो इसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स हैं। अल्फा चेन्स में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, 141, और बीटा चेन्स में इसकी तादाद कितनी होती है, 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो उसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, तो फिर इसका जो सम टोटल है उसके बाद टोटल लेंगे तो वो कितना बनेगा, 574 अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। तो अब ये क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है, नंबर काइंड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। काइंड्स की यहाँ पे बात नहीं की जाती सिलेबस में, लेकिन आपको इन जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर पता हो कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं। हीमोग्लोबिन में हम बताएंगे कि आउट ऑफ 20 19 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके सामने ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आ रहा है, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक अहम चीज़ आ जाती है कि आपने क्या देखना होता है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है ये बड़ा अहम होता है। जहाँ तक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स का ताल्लुक है, वो आपको मालूम हो कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो होगा वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं और उसमें 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड शामिल हैं। अब ये 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं, ये समझ लीजिए 20 लेटर्स हैं। जैसे आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो इंग्लिश के, उसमें क्या होता है, डिक्शनरी में डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। अब हर वर्ड में क्या होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट तो वही गिवन नंबर में से होते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, इस गिवन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड में स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जेनेटिक कोड्स की सूरत में, जिसकी बेस पर ये अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होती है, तो यह सीक्वेंस बनता है। तो लिहाजा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंतहाई अहम है, किसके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। जब आपको मालूम हो कि किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल में अगर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड्स के मुताबिक ना हो, तो नतीजा क्या होता है कि वो प्रोटीन जो होती है या तो एबनॉर्मल हो जाती है, या फिर बनेगी नहीं, या फिर बनेगी तो डिफेक्टिव बनेगी, वो इसके हिसाब से फिर एबनॉर्मेलिटीज बिल्टअप होती है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोटीन पे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखें कि
एबनॉर्मल सीक्वेंस की हम बात करेंगे तो एबनॉर्मल सीक्वेंस जो है बेसिकली किसकी वजह से होता है, जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। आप आगे चलकर डिस्कस करोगे म्यूटेशन की टाइप्स, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन में आपने सब्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देना होता है, बेस सब्स्टिट्यूशन में एक नाइट्रोजन बेस की जगह कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस है, थायमिन की जगह एडिनिन आ जाए, तो नतीजा क्या होगा कि सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सीक्वेंस चेंज होगा तो कोड चेंज होगा तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा ये रिजल्ट किसका होगा, एबनॉर्मलिटी की वजह बनेगा। अब हीमोग्लोबिन में आपको मालूम हो खास तौर पर जो बीटा चेन होती है इसमें क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ग्लूटामिक एसिड। इसकी जगह क्या आ जाता है, एक और अमाइनो एसिड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वैलिन। अब इसमें डीएनए के हिसाब से जो है जेनेटिक कोड किस में शिफ्ट होता है, फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, डीएनए से जाता है मैसेंजर आरएनए में। तो ग्लूटामिक एसिड के मुताबिक अगर हम कहते हैं इसका जेनेटिक कोड क्या है, CAA है, तो अब इसमें क्या होता है कि एडिनिन की जगह इसमें क्या आ जाएगा, CAT, यानी कि अब क्या हुआ कि ये एडिनिन की जगह थायमिन, जेनेटिक कोड तब्दील हो गया। पहले किसका था, ग्लूटामिक एसिड का, अब किसका जेनेटिक कोड हो गया, वैलिन का हो गया। तो नतीजा क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। तो वो स्पेसिफिक पोजीशन आपको आगे चलकर डीएनए क्रोमोसोम का जब हमने चैप्टर डिस्कस करना होगा तो वहाँ पे उसको मजीद बताएंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन में किस जगह पर ये कोड तब्दील होता है, किस नंबर, कौन सा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, ये भी आपको आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये मालूम हो कि जब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो उसमें नंबर, काइंड्स एंड सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के बारे में आपको क्लियर हुआ कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कितना अहम होता है। ये जब सूरत हाल होगी तो जो नॉर्मली आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, हीमोग्लोबिन किस में है, रेड ब्लड सेल में होती है। ये रेड ब्लड सेल का आपके सामने स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है कि जब ये ब्लड में आते हैं आरबीसी तो इनकी क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है इसका डिजनरेट कर चुका होता है, और 95% जो होता है इसका जो ये सेल साइटोप्लाज्म दैट इज ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से इसकी जो डिस्क शेप होती है, आरबीसी की जो डिस्क शेप हम पढ़ते हैं, यानी डिस्क शेप इस तरह से, ये जो इसकी डिस्क शेप होती है ये क्या होती है, मेंटेन होती है। किसकी वजह से, ये हीमोग्लोबिन की वजह से। अब जब ये इसमें ये म्यूटेशन हो जाती है, इसका सीक्वेंस चेंज होता है, तो शेप प्रोटीन्स की क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी। सिकल शेप का मतलब ये इस तरह से इसकी यूँ शेप हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। और बेसिकली ये होता है, पहले सॉल्युबल होती है, क्या होती है, इनसॉल्युबल, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल इनकी शेप भी क्या होती है, चेंज होती है, यानी सिकल शेप हो जाते हैं। और फिर उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि इट इज़ दे आर अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन एंड पर्सन इज सफर फ्रॉम डिजीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड को कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड का मतलब डिफरेंट लेवल पे हम इसको स्टडी करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कहाँ से स्टार्ट होता है, इस कॉज किसकी पहले क्या होती है, कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड यानी एनीमिया की पहली कॉज होती है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। फिर आयरन किसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन का। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड बट एनीमिया। फिर उसके बाद आपको मालूम हो कि हीमोग्लोबिन किस में, आरबीसी, तो नॉर्मल आरबीसी नहीं होगी, तो डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी होगा, उसे भी क्या कहोगे, एनीमिया का नाम दोगे। तो सिस्टमेटिकली आप देखें एनीमिया की रूट कॉज कहाँ से शुरू होती है, आयरन से, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन, और उसके बाद रेड ब्लड सेल। तो इस तरह ये आपको आइडिया होता है कि एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली टू इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आल्सो इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसी तरह से साइज ऑफ प्रोटीन जो होता है इसका तयन कौन करते हैं, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड करते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो प्रोटीन मॉलिक्यूल में होते हैं वो इसको क्या करते हैं, इसके साइज को डिटरमिन करते हैं कि साइज ऑफ प्रोटीन क्या पॉसिबल होगा। ऑब्वियसली कुछ साइज के लिहाज से प्रोटीन्स की शेप बनती है, शेप कुछ लीनियर भी होती है, कुछ क्या होती है इसमें सफेरिकल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी होती है, वो डिपेंड करता है उसकी शेप क्या है, उसके हिसाब से उस प्रोटीन का मॉलिक्यूल का साइज बनता है। तो इसलिए अहम चीज़ क्या होती है कि टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके साइज का तयन करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक देखो ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें एक और अहम चीज़ याद रखनी है आपने कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने बाकी भी यूज़ किए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, सवाल ये पैदा होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है क्या ये अलग से प्रोटीन की एक कैटेगरी है, इसका लिंक जो होता है सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी से कोई नहीं होता है।
हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर बच्चों, कि हर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हर प्रोटीन में आप क्या देखते हो कि उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने, उसमें काइंड ऑफ अमाइनो एसिड कितने, उसमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है। तो लिहाजा हर प्रोटीन का अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, तो लिहाजा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसका भी जो भी एग्जाम्पल आएगी उसका भी कोई ना कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जो भी प्रोटीन की आपके सामने एग्जाम्पल आएगी उसका भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इसकी जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आएगी उसका भी क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। तो लिहाजा ये भी आपको पॉइंट नोट करना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। इसके बाद आप देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम क्या बताते हैं कि इसमें क्या होता है, कॉइलिंग ऑफ प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन इज नॉट फ्लैट। इसमें जो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है फ्लैट नहीं होती, बल्कि ये क्या होगी, ये कॉइल फॉर्म होगी, कॉइल इनटू अल्फा हेलिक, या फिर ये कोई और कॉन्फ़िगरेशन लेगी जिसको आप क्या कहते हो, बीटा प्लेटेड शीट का नाम दोगे। तो इसमें खास पॉइंट जो आपने याद रखना है, मेन पॉइंट की ये इज नॉट फ्लैट, या ये हेलिक फॉर्म में होगी या फिर बीटा प्लेटेड शीट की सूरत में होगी। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का नाम देंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बताते हैं, अल्फा हेलिक के बारे में बताएंगे। अल्फा हेलिक में बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये स्पायरली अरेंज्ड होती है, स्पायरली अरेंज होती है, और इसका जो यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है इसमें जितने भी टर्न आते हैं स्पायरली अरेंज है। जैसे डीएनए का पढ़ते हो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका जो एक हेलिक है वो भी क्या होता है, स्पायरली अरेंज होता है। तो इसमें यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर में जो इसका टर्न्स बनेंगे, टर्न का मतलब जहाँ पे 360 एंगल, वन टर्न मीन 360 एंगल जहाँ कंप्लीट होता है, तो वन टर्न जो होता है उसमें कितने अमाइनो एसिड आ जाते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड आ जाते हैं इन ईच टर्न। हर टर्न में कितने आएंगे, 3.6 अमाइनो एसिड आ जाते हैं। और इसमें बॉन्डिंग मेनली कौन सी बॉन्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेन बॉन्ड कौन सा इन्वॉल्व होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी वो बेसिकली क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेन बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो हम कह रहे हैं ना कि यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर और 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये हेलिक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ये आपके सामने हेलिक स्ट्रक्चर आ रहा है, किस चीज़ का, ये अल्फा हेलिक। इसमें ये इस तरह से ये चेन जो हम शो कर रहे हैं ये एक ही चेन है, बेसिकली एक ही चेन है, ये इस तरह से इसमें क्या है, दीज आर अमाइनो एसिड, ये इस तरह से स्पायरली अरेंज है। स्पायरली अरेंज में ये जो हमने ब्लॉक शो किए हैं, ये ब्लॉक किसको इंडिकेट करते हैं, अमाइनो एसिड को। यह पहला अमाइनो एसिड है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसी तरह से ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, इस तरह से क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होगा वो किसके साथ, फोर्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर उसके बाद सेकंड जो होगा ये फिफ्थ के साथ, थर्ड जो होगा ये सिक्स के साथ, एंड सो ऑन, इस तरह से ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक टर्न जो होगा इसका, वन टर्न मीन वही जो आपको बताया गया था, वन टर्न में इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, 3.6 अमाइनो एसिड इन वन टर्न, ईच टर्न में पाए जाएंगे। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर का नाम देते हो, इसको आप अल्फा हेलिक का नाम दोगे। इस तरह बीटा प्लेटेड शीट होती है, बीटा प्लेटेड शीट में क्या आप देखते हो कि बीटा प्लेटेड शीट किस तरह से बनती है, इसमें भी जो की पॉइंट आपको याद रखना है कि फोल्डिंग बैक, फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम इसकी डायग्राम शो करते हैं, ये आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही, ये फोल्डिंग बैक, ये फोल्डिंग बैक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, फोल्डिंग बैक। अब ये सारे यहाँ पे क्या है, वॉट आर दीज, ये सब यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड्स है, दीज आर वट अमाइनो एसिड, ये सब अमाइनो एसिड्स हैं। उसी तरह से क्या होगा, कार्बन जैसे फॉर अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप के साथ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो जहाँ जहाँ पर ये होंगे वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। यहाँ पर मिसाल कार्बन है तो यहाँ पर क्या है, इसके
ऑक्सीजन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है, तो इनके दरमियान आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। इसको क्या कहेंगे, बीटा प्लेटेड शीट का नाम देंगे, कि इसमें क्या बनता है, फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से इसमें मेन कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। ब्रोकन जो लाइन्स हम इंडिकेट करते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस तरह ये जैसे सिल्क वगैरह की भी इसमें आप एग्जांपल कोट करते हो, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही आ जाता है। तो इस तरह ये आपके सामने क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके सामने क्या, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इट्सेल्फ। पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इट्सेल्फ, इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। शेप कौन सी अटेन करेगा, ग्लोबुलर शेप अटेन करेगा। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड एंड फोल्ड हो रही है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। वो किस तरह क्लियर होगा कि जिस इट इज़ मेंटेन बाय थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड, खासतौर पर इसमें आयनिक बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी और डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा, ये डाइसल्फाइड ब्रिज जिसको हम कहते हैं ये इसमें होगा। बाकी रही बात इसमें जो और मजीद फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होती हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होते हैं, खासतौर पर जब आप रेफरेंस देते हो किस चीज़ का, इसमें ये स्टेबल स्ट्रक्चर इन एक्वा सॉल्यूशन। स्टेबल स्ट्रक्चर इन एक्वा सॉल्यूशन में आपको मालूम हो कि अमीनो एसिड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स और दूसरे हम शो कर रहे हैं हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। एक है हाइड्रोफोबिक और दूसरे कौन से, हाइड्रोफिलिक, वाटर हीटिंग और वाटर लविंग, दो किस्म के। ये किस बेस पर ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये फिर किसकी वजह से होते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। दे आर ड्यू टू आर ग्रुप की वजह से, रिप्लेसमेंट ग्रुप जो आपको बताया गया था अल्फा कार्बन पे जो होता है, इसके डिफरेंस की वजह से होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं किस चीज़ की, अमीनो एसिड्स की। तो अब इसमें होता ये है कि एक्वा सॉल्यूशन में ये स्टेबल स्ट्रक्चर क्यों बनता है, पहले तो हमने क्या बताया कि ये बेंड्स एंड फोल्ड अपॉन इट्सेल्फ, बेंड्स एंड फोल्ड अपॉन इट्सेल्फ ये पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है, बेंड्स एंड फोल्ड अपॉन इट्सेल्फ। सम्राट ये देखिए, हम ये यहाँ पे इमेजिनरी डायग्राम यहाँ पे शो कर रहे हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखिए, ये व्हाट इज़ दिस, ये जो हमने स्ट्रक्चर शो किया है ये बेसिकली क्या बन गया आपके पास, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गया है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें होता ये है कि ये इसके हम यहाँ पे मार्क करते हैं कि जो आउटर सरफेस है, ये सारी जितनी इसकी भी आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, ये सारी इसकी आउटर सरफेस है। ये आउटर सरफेस पे जो अमीनो एसिड्स होंगे ये क्या होंगे, ये बेसिकली क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस यहाँ पे अमीनो एसिड कौन से होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। और जो बरेड इनसाइड है, ये बरेड इनसाइड है, ये बरेड इनसाइड है, ये अमीनो एसिड जो है ये अंदर की तरफ आ गए, ये क्या होंगे, दीज अमीनो एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक, ये आपके पास हाइड्रोफोबिक होंगे। तो यही वजह होती है सरफेस पर कौन से है, हाइड्रोफिलिक है, जिसकी वजह से ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है किस में, इन एक्वा मीडिया। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो कि इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस जो होते हैं अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप की वजह से ये ग्रुप बिल्टअप होते हैं, इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर में। तो ये आपके सामने क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली इसका लिंक किसके साथ बनता है, इसका लिंक बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर के साथ बनता है, क्योंकि इसमें जो पॉलीमर्स होते हैं यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, सेवरल टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप देखेंगे इसमें किस किस्म की बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, आयनिक बॉन्ड, ये सब ये इसमें इस सब के इंटरेक्शन शामिल होते हैं। ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती है। आप देख सकते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन से इंटरेक्शन हैं,
क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में कौन से इंटरेक्शन है, इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग है, और इसी तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेनली कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। या आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में आप बड़ी कॉमन एग्जाम्पल देते हो किस चीज़ की, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट किस में पाई जाती है, आरबीसी में। हमने इसको शुरू में डिस्कस किया था प्रोटीन के टॉपिक में, इसके बारे में आपको मालूम हो। इसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये फॉर एग्जांपल हम शो करते हैं, ये अल्फा चेन, ये इसकी दूसरी अल्फा चेन आ जाती है, और इसी तरह से ये इसकी हम क्या शो करते हैं, ये बीटा चेन, और ये इसकी फॉर एग्जांपल क्या है, बीटा चेन। तो क्या बन जाता है, इस तरह से ये इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, किसका, हीमोग्लोबिन का। तो इसमें अल्फा और बीटा चेन आ जाती हैं, फिर उसके बाद इसका हीम पार्ट आप शो करते हो, ये हीम पार्ट जो होता है ये हीम पार्ट, इसका ये हीम पार्ट और ये इसका हीम पार्ट, इन सब में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, आपको मालूम हो कि आयरन एटम प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या आपके सामने आ गया, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट ख्याल करना है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का बकायदा कंपैरिजन आपने देखना है, की पॉइंट्स को देखना है जो आपको हाईलाइट किए गए, इनको स्पेसिफिकली इसको कंसंट्रेट करेंगे, तब आप जो MCQs है उसमें उसकी आपकी अप्रोच होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जनरल कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ज़रूरी है, लेकिन जो कीवर्ड्स आपको बताए जाते हैं कि ये इन चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे कंसंट्रेट करना है, तो उससे क्या होगा कि वो आपके ग्रिप में आ जाएंगी चीज़ें, और उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपको और भी चीज़ें मज़ीद क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ तक क्या था, ये इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले देखिए कि क्लासिफिकेशन बेस किस पे करती है, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, मेनली किस पे बेस करती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर पे, और साथ साथ आप शेप भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके एमसीक्यूज आते हैं तो आपको मालूम हो कि मेनली बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर दोनों दिया हो, तो फिर अगर कंबाइंड फॉर्म में या अलग अलग बोथ ए एंड बी दिया हो, फिर आपको क्लियर स्ट्रक्चर एंड शेप, अदरवाइज मेनली बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इसको टू ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हो, टू ग्रुप्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 फाइब्रस प्रोटीन, नंबर 2 इसमें आ जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सबसे पहले देखिए इसमें आप किसके बारे में बताएंगे, फाइब्रस प्रोटीन्स। इसमें जो की पॉइंट आपको याद रखने हैं वो क्या होगा कि इसमें 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्व, यानी इसमें अमूमन स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व, ज़रूरी नहीं होता, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसमें हो सकती है, 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन आर इन्वॉल्व। अब इसमें नेचर किस किस्म की होती है, इसकी शेप किस किस्म की होती है, बेसिकली फिब्रिलर शेप होती है, यानी फाइबर लाइक या फिर फिलामेंट लाइक इसकी शेप होती है। याद रखिएगा किसकी, फाइब्रस प्रोटीन्स, में नाम पर गौर कीजिए, फाइब्रस प्रोटीन्स, तो फाइबर लाइक और फिलामेंट, इस तरह फिब्रिल शेप भी कह सकते हैं, फिब्रिलर शेप भी कह सकते हैं, फाइबर शेप भी कह सकते हैं, फिलामेंट लाइक भी कह सकते हैं इसको, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटीन को हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तो इसमें फाइब्रस प्रोटीन्स में मेनली कौन सा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये इसमें अहम होता है कि इसमें फाइब्रस प्रोटीन्स में। इसी तरह से फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसी तरह से यही क्या है इनकी प्रॉपर्टी, नॉन क्रिस्टलाइज। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइज नहीं होती प्रोटीन्स, और इनकी नेचर किस किस्म की होती है, दिया इलास्टिक इन नेचर। अब इसमें इस मालूम हो कि फाइब्रस प्रोटीन जो होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, किस में, सेल्स में और पूरे ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए इसमें सिल्क फाइबर, सिल्क वर्म से क्या हासिल होता है, सिल्क फाइबर, ये भी क्या है, बेसिकली प्रोटीन, और किस किस्म की प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन होती है। इस तरह स्पाइडर्स वेब होता है, ये भी इसमें एग्जाम्पल आ जाती है किस चीज़ की, फाइब्रस प्रोटीन की। इसी तरह से मसल्स में आप क्या देखते हो, मायोसिन प्रोटीन, ये भी क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स है। इसी तरह से आप इसमें ये फिब्रिन्स की एग्जाम्पल देते हो, फिब्रिन्स, फिब्रिन्स जो होती है फिब्रिनोजन
ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन पर्थोइन एक्टिव फॉर्म क्या होती है, फाइब्रिनोजन एक्टिव फॉर्म क्या होती है, फाइब्रिन फाइब्रिन किस फॉर्म में होती है, ये फाइब्रस फॉर्म में पाई जाती है, तो इसको भी क्या कहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन। इसी तरह कैरेटीन प्रोटीन होती है, इसी तरह से कोलेजन प्रोटीन होती हैं, इनके बारे में भी आपको मालूम हो कि जैसे मिसाल के तौर पर कैरेटीन प्रोटीन है, ये बेसिक तरह से बेसिकली जो हमारे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ख़ास तौर पर ये हमारे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, इसी तरह से एनिमल्स के हॉर्न्स हो गए, बर्ड्स की बीक हो गई या उनके फेदर्स हो गए, ये सब के सब इसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ये कैरेटीन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ये प्रोटेक्टिव बेसिकली एक तरह से कवरिंग भी प्रोवाइड करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। इस तरह जो कोलेजन प्रोटीन्स होती है, ये बेसिकली कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं, ख़ास तौर पर किस में, बोन्स में एंड कार्टिलेज में। ये भी आपने आगे चलकर इसको जब टॉपिक्स आएंगे स्केलेटन के तो उसमें आपको उसको डिटेल से देखना होगा कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स का क्या रोल होता है, लेकिन आपको पता हो कि किस कैटेगरी में ये शामिल है। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज डिफरेंट एग्जांपल्स एंड विद रेफरेंसेस आल्सो, मायोसिन का पता हो कि कहाँ पर होती है, इस तरह फाइब्रिन प्रोटीन कहाँ पर होती है, क्या इसका रोल क्या है, कैरेटीन प्रोटीन इसका रोल क्या है, कोलेजन प्रोटीन इसका रोल क्या है, तो ये कौन सी है, फाइब्रस प्रोटीन्स। सेकेंड कैटेगरी इसमें कौन सी आ जाएगी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आ जाएगा। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है बेसिकली नाम से जाहिर है ग्लोबुलर शेप होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन कहेंगे। तो शेप इसकी कौन सी है, बेसिकली स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल शेप होती है। एलिप्सॉइडल का मतलब जैसे हम कहते हैं बेजवी नुमा, ये शेप होती है इसकी। तो इसमें मेनली आपको ये भी पता हो कि मल्टीपल फोल्डिंग्स होती है, किस चीज़ की, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की मल्टीपल फोल्डिंग्स होती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। और कौन सा स्ट्रक्चर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टर्शरी स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स में कौन सा स्ट्रक्चर। हालांकि एग्जाम्पल की तरफ आप जाओगे ना तो एग्जाम्पल आप देखोगे, इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगी हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली किसकी एग्जांपल है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, लेकिन हीमोग्लोबिन यहाँ पे हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, उसकी शेप के लिहाज से उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन में रख रहे हैं। तो इसमें आपको मालूम है एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो नहीं है, मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जो आप 2α 2β चेन्स पढ़ते हैं तो एक अल्फा चेन या एक बीटा चेन बेसिकली वो क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो मल्टीपल फोल्डिंग्स ऑफ क्या इसमें होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। और इसी तरह से ये सॉल्युबल होते हैं इन एक्वा मीडिया, एक्वा मीडिया में हम और भी डिफरेंट रेफरेंसेस देते हैं, एक्वा मीडिया में साल्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, एक्वाज अल्कोहल वगैरह, इनमें ही क्या होते हैं, सॉल्युबल होती है प्रोटीन्स। और इसी तरह से इसमें प्रोटीन्स के बारे में आपको ये भी मालूम हो कि यहाँ पर हमने बताया था नॉन क्रिस्टलाइज कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं कैन बी क्रिस्टलाइज, दे कैन बी क्रिस्टलाइज। इसी तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स के मुकाबले में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ज़्यादा सेंसिटिव यानी किस सेंस में हम कह रहे हैं कि दे कैन डिसऑर्गेनाइज, जैसे हम कहते हैं डी नेचर हो जाना प्रोटीन, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, किसकी वजह से, कोई भी फिजियोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हो कि ये इसमें फिजिकल चेंज आए इन्वायरमेंट में, कोई भी फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल चेंज आए इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से ये प्रोटीन्स क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, दे आर डिसऑर्गेनाइज, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। इसमें आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स कोट करते हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी हीमोग्लोबिन की, इसका ताल्लुक किससे, ग्लोबुलर प्रोटीन से। इस तरह एंटीबॉडीज़ की हम बात करते हैं, दे आर आल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसी तरह से आप एंजाइम्स बताते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह से हार्मोन्स भी कुछ ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, जो वो प्रोटीन खासतौर पर एंजाइम जो कि केमिकली क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, तो वो शेप उसकी क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आ जाती है। तो इस तरह ये बाकायदा कंपेरिजन है, और इसमें आपको खासतौर पर जो की पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए गए
इनको स्पेसिफिकली आपने देखना है। स्पेसिफिकली जब आप जाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि कॉमन सी चीज़ें, लेकिन जब आप क्रिटिकली जाते हो तो क्रिटिकली फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, ये इंटरमिंगल हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो लिहाजा उस वक्त आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको, की पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, उनको आपने ध्यान से देखना होगा ताकि आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। लास्ट में अब देखें, हमने इस टॉपिक के लास्ट में हमने क्या देखा है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। बहुत से फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। सबसे पहले देखें कि प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है। जैसे आप बहुत ही एग्जांपल्स कोट कर सकते हो सेल के स्ट्रक्चर में। आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको मालूम हो कि इसमें 60-80% क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। सो सेल स्ट्रक्चर में आ जाता है सेल मेम्ब्रेन भी, और फिर उसमें ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज की बात करें अगर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, खास तौर पर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज में, तो मेम्ब्रेन्स मेनली कंपोज ऑफ व्हाट, प्रोटीन। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनेलीज में विदाउट मेम्ब्रेन बात करते हैं, तो राइबोसोम में, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 50% क्या होती है, प्रोटीन होती है। सो सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। इसी तरह से एंजाइम्स होते हैं, ये भी केमिकली क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का हवाला हमने दिया था, ये क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट काम करते हैं, और फिर इनके ज़ाहिर बात है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को इन्होंने कंट्रोल करना होता है। आप मुख्तलिफ एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एग्जांपल आप देते हो, एमाइलेज, लाइपेज, और इसी तरह से आप ये पेप्सिन वगैरह की एग्जाम्पल देते हो, इन्होंने डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह से बहुत से हारमोन्स हैं जो कि केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी कहते हैं इनको। ये क्या है, कैटालिटिक प्रोटीन्स हैं, इनको आप क्या कहोगे, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अगर हार्मोन्स किस सूरत में, प्रोटीन्स की सूरत में। जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पैंक्रियाटिक हार्मोन्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, तो इनको हम क्या कहेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन्स का नाम देंगे। इसी तरह से आ जाती हैं कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं। कैरियर प्रोटीन में आप हीमोग्लोबिन का रेफरेंस दोगे। ये बेसिकली किस चीज़ को कैरी करती हैं, बेसिकली ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, तो इसको आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं, कैरियर प्रोटीन्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं जो अमीनो एसिड्स को, लिपिड्स को, या और दूसरे कंटेंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाने के लिए, उनको ये कैरी करती हैं, तो ऐसी प्रोटीन्स को कैरियर प्रोटीन्स का नाम देते हैं। इसी तरह से आपको ये भी मालूम हो कि प्रोटीन्स होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ के तौर पर भी सर्व करती हैं। एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको मालूम हो, कौन प्रोड्यूस करते हैं, लिकोसाइट्स। यानी लिकोसाइट्स का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, और ये किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपको मालूम हो, दे प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि विद रेफरेंस टू बॉडी डिफेंस, ये क्या कहलाएंगी, एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, इम्यूनोग्लोबुलिंस का नाम देते हो, इम्यूनोग्लोबुलिंस भी कहते हैं किसको, एंटीबॉडीज़ को, ठीक है जी। और एंटीजन्स को आप केमिकली क्या कहते हो, टेक्निकली क्या कहते हो, इम्यूनोजन। और इम्यूनोग्लोबुलिंस क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़, एंटीजन्स क्या होते हैं, इम्यूनोजन कहलाते हैं। इस तरह से ये भी इसका एक मेजर फंक्शन आ जाता है। इसी तरह से जब मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स की बात की जाती है, तो आपको मालूम है इसमें मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स में क्या चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स में हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मसल्स में आप एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का रेफरेंस देते हो कि ये किस में इन्वॉल्व है, ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी फंक्शंस में आ जाता है, किस चीज़ के, प्रोटीन्स के फंक्शन में आ जाता है ये भी। इसी तरह से आप देखिए मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए,
तो क्रोमोसोम की मूवमेंट में भी आप ये देखते हैं स्पिंडल फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स अब मेड अप ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनेंगे। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन किस में इन्वॉल्व होगी, ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से क्रोमोसोम के बनने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होती है, और वो कौन सी प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती है। यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए भी प्रोटीन्स चाहिए। तो इस तरह से इसकी डिफरेंट प्रोटीन्स की कैटेगराइजेशन होती है, उनके फंक्शन के लिहाज से आप उसको डिस्कस करते हो। ये चीज़ें याद रखना बच्चों की, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। आप जहाँ से भी हम देखें रेफरेंसेस उठाते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स, एंटीबॉडीज़ का लफ्ज़ आते ही हमारे माइंड में क्या आएगा, इम्यूनिटी का चैप्टर आ जाएगा। और इम्यूनिटी का चैप्टर आते ही हमारे जहन में क्या आएगा, वाइट ब्लड सेल, लिकोसाइट। फिर इसके फर्दर स्पेसिफाई करोगे कौन से वाइट ब्लड सेल, आप बताओगे जी लिम्फोसाइट, फिर लिम्फोसाइट को मजीद स्पेसिफाई कौन से होंगे जनाब, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को फर्दर स्पेसिफाई करोगे तो कौन से होंगे, प्लाज्मा सेल क्लोन, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज़। तो लिहाजा ये लिंक चीज़ें इस तरह से आपस में लिंक होती चली जाती हैं। बाकी भी हमने देखा मूवमेंट की बात की बॉडी ऑर्गन्स का, उसमें भी आपने देख लिया एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, डिफरेंट रेफरेंसेस से आप इसको स्टडी करते हो। सेल साइकिल में आपने क्या बताया, कंस्ट्रिक्शन रिंग के हवाले से, यहाँ पर आप किसके हवाले से बता रहे हो, यहाँ पर आप इसका रेफरेंस दे रहे हो मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट के हिसाब से। इसी तरह से साइक्लोसिस में भी आप बताते हो रोल होता है किस चीज़ का, माइक्रोफिलामेंट यानी माइक्रोफिलामेंट्स से मुराद साइटोस्केलेटन की जो फिलामेंट्स होती है, वो भी उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, ये एक्टिन प्रोटीन होती है। तो आप देखें रेफरेंसेस आपको मिल रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि एक ही नॉलेज जो आप गेन करते हो एक टॉपिक में, और आपको आइडिया होता है कि यही नॉलेज यूटिलाइज होता है डिफरेंट सिचुएशंस में भी, और उसको हमें मेन चीज़ें मैनिपुलेट करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या रेफरेंस किस हवाले से और किसके साथ उसको लिंक किया गया है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ तक बच्चों टॉपिक आपका था प्रोटीन।